What's up YouTube? आज मैं हूँ अनन्या थोरत। आज वीकली क्वेश्चंस की तरफ से हम आपके लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक बहुत ही अच्छा शेक लाए। तुम फिर आ गए? सॉरी। वैसे तो जेब में हाथ क्यों है आज? ओके है ना, मैं थोड़ा रैप ज्यादा करता हूँ। रैप नहीं करना है, हमें शेक टेस्ट करना है। ओके, तो काम पे आते हैं वापस से। आज हम खड़े हैं राजौरी गार्डन में और मेट्रो से मुश्किल से 400 मीटर्स दूर। ये है हमारा रेस्टोरेंट जिसका नाम है शेक शू कैफे। तो आज हम इसका एक शेक रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है कुछ भी शेक। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, देखते हैं यार कि ऐसा क्या है इसमें जो लोग हमें यहाँ पर बुला के लेके आए हैं। यार तुम भी बोलो ना कुछ। शेक शू कैफे, मुझे नहीं बोलना, मुझे तो अब सिर्फ टेस्ट करने, क्योंकि नाम सुन के ना, कुछ भी नाम सुन के ना मेरे पेट में तो पानी पानी आ रहा है। चलो आज मेरे पास ये आंसर मिल गया। जब कोई मुझसे बोलता ना यार मैं कुछ भी खा लूंगा या कुछ भी पी लूंगी, फाइनली मुझे आंसर मिल गया इस चीज़ का। तो आइए पीते हैं कुछ भी शेक। अबे ओए, उधर देख, काउंटर उधर है, उधर क्या दिख रही है? डिसाइड नहीं करें कि हमें क्या लेना है, वैसे ही तो कंफ्यूज हो रही हूँ ओरियो किटकैट और ब्राउनी में। तो क्या लेना है फिर? कुछ भी भैया, कुछ भी कर लेना यार। तो भैया आपको आइडिया कैसे आया कुछ भी शेक का? मतलब कस्टमर को और यहाँ पे आके कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, जिसमें कि हर फ्लेवर भी हो, प्लस में हर एक सेगमेंट हो, जिसमें हमारे पास डिफरेंट बनाया गया है ओरियो ब्राउनी और किटकैट डाल के। अपना चॉकलेटी फ्लेवर के लिए चॉकलेट हेजलनट और एक कॉफी फ्लेवर डाल के ये कुछ डिफरेंट सा बन जाएगा, जिसमें हर तरह का टेस्ट भी आ जाएगा, प्लस में हर तरह का सेगमेंट भी आ जाएगा, जिसमें करंच होगा अपना। मतलब कुछ भी शेक में भी बहुत कुछ है? यस, उसमें भी हर चीज़, मतलब एक तरह से हर कोई फ्लेवर आ जाएगा उसमें, प्लस में सेगमेंट भी ऐड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो सब कुछ डिफरेंट होगा उसमें, आप एक एक ही चीज़ मतलब मिलेगी इसमें, तो वहाँ पर हर एक चीज़ मिक्स हो जाएगा उसमें। कुछ भी शेक में मतलब कुछ भी शेक हो जाएगा डिफरेंट। तो आप इसे बनाते कैसे? इसमें हम ओरियो डालेंगे, ब्राउनी डाल के, किटकैट डाल के, मिल्क प्लस में शुगर ऐड करके उसमें फ्लेवर डालेंगे चॉकलेट हेज़लनट और कॉफ़ी, उसके बाद उसको ब्लेंड कर देंगे 30 सेकंड के अंदर, उसके बाद उसको ग्लास में डाल के आपको सर्व कर देंगे। तो हम टेस्ट करते हैं कुछ भी शेक कैसा है। इन्हें पीने दो, हम भी देखते हैं भाई कैसा है। ऐसा है कुछ भी शेक। हाँ, मैं लाइफ टाइम कुछ भी पीना चाहती हूँ। ये तो मेरा भाई, देखो ऐसा है ना, ये पूरा खत्म नहीं करना है अपने को, प्लीज ना। ओनली वन सिप, ओनली वन सिप। सी, ये शेक बहुत ज्यादा बन रहा है। वी हैव गॉट like we are having all those flavors, like even our mouth is like still watering because of all these flavors. I can taste Kit Kat, Oreo and brownie all together, and I guess it's a nice mixture. Iske har sip mein Kit Kat, Oreo and brownie ka taste ja raha hai, har sip tasty hai, and it's really 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 best. प्लीज़ ये वर्थ इट है, रीजनेबल प्राइस में इतना अच्छा शेक आई डोंट थिंक सो आपको कहीं भी मिल सकता है। तो भाई कुछ भी शेक पीने के बाद थक हार के इतनी बड़ी, इतनी भयंकर और भयानक धूप में चल के राजौरी गार्डन से बाहर निकल के आ गए हैं, और इसको वहाँ रोकना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के कपड़ों की शॉप है। तो भाई आप बताना चाहेंगे वहाँ से यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही क्लासी था। आई मीन हर शॉप पे इतने अच्छे कपड़े दिख रहे थे ना कि खुद को रोकना मुश्किल था। रियली आज का हमारा फूड व्लॉग यही था, और हम आगे भी आपके लिए ले के आते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे, बड़े बड़े, जायकेदार, टेस्टी। इतना ज़्यादा टेस्टी था कि माइक भी गिर गया। हाँ, जायकेदार, टेस्टी, लवली, अच्छी अच्छी चीज़ों के मिक्सचर्स और भी बहुत कुछ है हमारे बकेट लिस्ट में। तो हम आपको जल्द ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में वीकली क्वेश्चंस के। तो स्टे ट्यून, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कंटिन्यू वॉचिंग अस।